नमस्कार दोस्तों, प्रेप इंडिया में आपका स्वागत है। टारगेट एसबीआई पीओ क्लर्क 2018 की वीडियो की सीरीज़ में हम रीजनिंग सेक्शन से पज़ल नंबर 23 आपके लिए लेकर आए हैं। ये एक फ्लोर पज़ल है और ये अच्छा सवाल है। इससे पहले मैंने 22 वीडियोस बना चुका हूँ जो पज़ल को टारगेट करती है और स्पेसिफिकली जो कि एसबीआई पीओ क्लर्क 2018 एग्ज़ाम के लिए है, तो उन वीडियोज़ को भी आप जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट कि आपने हमारा चैनल प्रेप इंडिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिए ताकि जो मैं वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, मैं रीड करता हूँ इसको। इन द वेडिंग सेरेमनी ऑफ वन मोस्ट फेमस क्रिकेटर्स युवराज सिंह विद हेजल कीच, द हुज़ हू ऑफ क्रिकेट वुड गेट टुगेदर। तो वेडिंग सेरेमनी हो रही है युवराज सिंह विद हेजल कीच और जो क्रिकेट के अदर लोग हैं वो आ रहे हैं उस वेडिंग में। द रेनाउंड कमेंटेटर्स आई ई हर्षा फारूक सनी संजय वेंकटेश रवि शास्त्री नवजोत सिंह एंड सिद्धू आर इन्वाइटेड टू अटेंड द मैरिज एंड द स्टे वॉज अरेंज इन ए होटल ऑफ 4 फ्लोर्स। तो ये 10 कमेंटेटर्स हैं जो क्रिकेट वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, जो नाम यहाँ दिए गए हैं, हर्षा फारूक वगैरह, और इनको इन्वाइट किया गया है मैरिज अटेंड करने के लिए और उनका जो स्टे है वो 4 फ्लोर का एक होटल है उसमें अरेंज किया गया है। आगे पढ़ते हैं। ईच फ्लोर इन दिस होटल हैज़ 3 यूनिक स्वीट्स, स्वीट 101, स्वीट 110 एंड 111 इन द सेम मैनर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो ये 4 फ्लोर का होटल है, हम यहाँ बना देते हैं 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर 4 फ्लोर और हर एक फ्लोर में 3 यूनिक स्वीट हैं, लेफ़्ट टू राइट है। यहाँ पे लेफ्ट से यहाँ राइट में पहला है 101 110 एंड 111। इसी तरह से हर एक फ्लोर पे सेम ये 3 स्वीट हैं और सबके नाम सेम है 101 110 111। यहाँ पे भी सेम 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 सेम। और जो ग्राउंड फ्लोर है इसको फ्लोर 1 दिया गया है और टॉप फ्लोर है इसको फ्लोर 4 दिया गया है। यहाँ हम आगे पढ़ेंगे जैसे कि द ग्राउंड फ्लोर इज़ टेकन एज फ्लोर 1 एंड द फ्लोर ऑन द टॉप इज़ टेकन एज 4th फ्लोर। जो टॉप फ्लोर है उसको 4th फ्लोर दिया गया है नाम। ईच ऑफ द स्वीट इज़ डिज़ाइन इन सच ए मैनर दैट स्वीट 101 ऑफ सेकेंड फ्लोर इज़ जस्ट अबव 101 ऑफ 1st फ्लोर एंड लाइक वाइज। तो जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है कि 101 का जो स्वीट है वो हर एक फ्लोर के सेम है 101 101 101 101, इस तरह से 110 110 110 110 और 111 111 111 111। तो सेम ये जो ऊपर नीचे हैं यहाँ पर इस तरह से बनाया गया है और यहाँ पे सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, यानी यहाँ से हमारी जो कंडीशन स्टार्ट होती है। ठीक है, तो कंडीशन हम लिखते हैं पहले। हर्षा हैज़ पेक्यूलियर हैबिट दैट ही नेवर स्टेज ऑन एन इवन नंबर फ्लोर एंड इन एन इवन नंबर स्वीट। तो हर्षा जो है उसको एक अलग तरह की आदत है कि वो कभी भी इवन नंबर फ्लोर में नहीं रहता है और इवन नंबर स्वीट में नहीं रहता, ये नेगेशन हमने यहाँ लगा दिया है। आगे पढ़ते हैं। शास्त्री स्टेज इन एन स्वीट जस्ट अबव फारूक, फारूक यहाँ बना देते हैं और उनके ऊपर शास्त्री रह रहे हैं। अगर एक कंडीशन लेते हैं, सिद्धू एंड सिंह स्टे ऑन द सेम फ्लोर एंड नो वन एल्स इज स्टेइंग विद देम ऑन दैट फ्लोर। सिद्धू एंड सिंह सेम फ्लोर में हैं, सिद्धू सिंह सेम फ्लोर एंड नो वन एल्स स्टेइंग, नो वन एल्स स्टेइंग मतलब कि उस फ्लोर में एक जो स्वीट है वो खाली रहेगा। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर 12 जो स्वीट रहेंगे लेकिन आदमी यहाँ पर 10 है, तो 2 को तो खाली रहना पड़ेगा। तो यहाँ आगे इन्फॉर्मेशन दी गई उनके बारे में। द टू स्वीट्स इन विच नो गेस्ट इज स्टेइंग आर ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर एंड इवन नंबर्ड स्वीट। सो जो 2 स्वीट है जो एम्प्टी है खाली है वो इवन फ्लोर पे है एंड इवन स्वीट में है। ठीक है, द स्वीट बिटवीन वेंकटेश एंड नवजोत इज ऑक्यूपाइड एंड वेंकटेश स्टेज इन वन ऑफ द स्वीट अबव नवजोत। वेंकटेश एंड नवजोत के बीच का स्वीट खाली है और वेंकटेश ऊपर आ रहा है नवजोत के, तो वेंकटेश ऊपर आ जाएगा और बीच में ये है एम्प्टी स्वीट और उसके नीचे है नवजोत। ठीक है, रवि स्टेज एन ऑड नंबर स्वीट विच इज़ टू द लेफ्ट ऑफ नवजोत। रवि है वो ऑड नंबर स्वीट में रह रहा है
ऑड स्वीट में, और ये लेफ्ट है नवजोत के, यानी रवि यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब हम बाद में देख लेते हैं। अगला कंडीशन लेते हैं, सिद्धू एंड सनी बोथ स्टे इन द स्वीट विच इज़ नंबर्ड 101। सिद्धू एंड सनी जो 101 स्वीट में रहते हैं, बट कौन से फ्लोर में रहते हैं वो हमें पता नहीं है। हर्षा स्टेज ऑन द फ्लोर जस्ट अबव शास्त्री फ्लोर। हर्षा शास्त्री के फ्लोर के ऊपर रहती है, एंड सनी स्टेज ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स ऑन विच वन स्वीट इज वेकेंट। उस फ्लोर पे रहता है जिसमें वेकेंट स्वीट हो। ठीक है, तो ये 8 में 2 कंडीशन, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, सनी वेकेंट सेम फ्लोर में रहते हैं। ठीक है, आइए कंडीशन से अब हम पज़ल को सॉल्व करते हैं। तो हमने सारी कंडीशंस यहाँ पे लिख दी है, और अब हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हम इस पज़ल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने 4 फ्लोर बना लिए, फ्लोर 1, फ्लोर 2, 3, 4। ये 4 जो है ये टॉप फ्लोर है, और ये फ्लोर 1 जो है ग्राउंड फ्लोर है, और हर एक फ्लोर पे ये 3 स्वीट हैं, 101, 110, 111। तो हर एक फ्लोर पे ये 3 स्वीट रहेंगे, 101, 101, 101, 101, 110, 110, 110, 110 एंड 111, सारे स्वीट सेम चारों फ्लोर पे हैं। तो पहली कंडीशन लेते हैं हम, हर्षा इवन फ्लोर पे नहीं है और इवन स्वीट में नहीं है, यानी इवन फ्लोर हर्षा यहाँ पे नहीं रहेगा, फ्लोर नंबर 4 पे एंड फ्लोर नंबर 2 पे नहीं रहेगा हर्षा, और इवन स्वीट में भी नहीं रहेगा, यानी कि तो फ्लोर नंबर 4 में हर्षा नहीं रहेगा, और यहाँ पे भी नहीं रहेगा हर्षा फ्लोर नंबर 2 में, और इवन स्वीट में भी नहीं है, यानी 110 में भी, यहाँ पे भी हर्षा नहीं रहेगा, और यहाँ पे तो पूरे स्वीट में नहीं है, तो इन जगह में हर्षा नहीं रहने वाला है। ठीक है, शास्त्री के नीचे फारूक है, तो हम बाद में करते हैं। सिद्धू सिंह सेम फ्लोर पे है और कोई नहीं स्टे कर रहा है। कंडीशन 4 में मानते हैं कि 2 स्वीट्स एम्प्टी हैं, इवन फ्लोर पे हैं वो और इवन स्वीट है वो। सो इवन फ्लोर पे ये इवन फ्लोर है और इवन स्वीट है, यानी ये वाला एम्प्टी है, और इवन फ्लोर में ये वाला इवन स्वीट है, तो ये वाला एम्प्टी है। ठीक है, तो हमें मालूम पड़ गया कि कौन सा फ्लोर इसमें एम्प्टी है। कंडीशन 5 में हम आते हैं कि वेंकटेश और नवजोत के बीच में एक एम्प्टी है। सो एम्प्टी यहाँ है, यहाँ है, ऊपर वेंकटेश नहीं आ सकता, तो वेंकटेश को यहाँ आना पड़ेगा, और बीच में एम्प्टी है और यहाँ पे नवजोत रहेंगे। ठीक है, और नवजोत के यहाँ पे रवि है जो कि ऑड नंबर स्वीट में है, तो ऑड नंबर स्वीट यहाँ हो जाएगा, और लेफ्ट में नवजोत के रवि है, तो रवि यहाँ पे हो जाएंगे। सनी जो है ये वेकेंट में है, साथ में है, सनी यहाँ हो सकते हैं या सिद्धू यहाँ हो सकते हैं। सिद्धू सनी के ऊपर है लेकिन सनी जो है ये वेकेंट के साथ में है, सो वेकेंट यहाँ पर है एम्प्टी, तो सनी को यहाँ रहेगा। कंडीशन 3 में हम आते हैं कि सिद्धू और सिंह सेम फ्लोर पर रह रहे हैं और उनके साथ कोई नहीं रह रहा है, तो इसका मतलब सिद्धू यहाँ हो जाएगा और सिंह यहाँ हो जाएगा, क्योंकि सिद्धू और सिंह साथ में रह रहे हैं और उस फ्लोर में कोई और नहीं रह रहा, मतलब यहाँ एम्प्टी रहेगा, भी कंडीशन हो गया है। अब कंडीशन 1 और कंडीशन 8 को हम साथ में लेते हैं कि हर्षा जो है इन फ्लोर्स पे नहीं रहती है और इन स्वीट में नहीं रहती है, और हर्षा शास्त्री के जस्ट ऊपर है, तो याद रखिए हर्षा इस पूरे फ्लोर में नहीं है, और हर्षा यहाँ इधर, यहाँ मार्क कर देते हैं एच, यहाँ आ सकती है, यहाँ आ सकती है और यहाँ आ सकती है, लेकिन हमें देखना है कि हर्षा शास्त्री के ऊपर भी है, तो हर्षा यहाँ अगर बनाते हैं तो शास्त्री नहीं आ पाएंगे, हर्षा यहाँ बनाते हैं तो शास्त्री नहीं आ पाएंगे, तो हर्षा को यहीं आना पड़ेगा, और हर्षा जस्ट शास्त्री के ऊपर है तो शास्त्री को यहाँ आना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स,
तो हमारा कंडीशन वन भी हो गया है। अब कंडीशन टू में आते हैं कि शास्त्री के जस्ट नीचे फारूक हैं, तो शास्त्री के जस्ट नीचे यहाँ पे फारूक हो गए हैं, और जो बचे हुए हमारे पास है यहाँ पे संजय, वो इधर आ जाएंगे फ्लोर नंबर थ्री में, स्वीट 101 में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो प्रॉब्लम है पूरा सॉल्व हो गया। आइए अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर वन लेते हैं। हु इज़ स्टेइंग बिटवीन हर्षा एंड फारूक। सो हर्षा एंड फारूक के बीच में कौन रह रहा है? हर्षा यहाँ है, फारूक यहाँ है, तो इनके बीच में शास्त्री रह रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर, तो शास्त्री कहीं पर भी नहीं है, सो ऑप्शन नंबर हमारा ई रहेगा, नन ऑफ दीज। अगला सवाल लेते हैं। इफ़ सिद्धू एंड रवि एक्सचेंज देयर स्वीट्स। सो सिद्धू कहाँ है? इधर है, एंड रवि यहाँ है, यहाँ है। हु अमंग द फॉलोइंग स्टेज राइट बिलो रवि स्वीट। तो सिद्धू और रवि, यानी रवि यहाँ आ गया है और सिद्धू यहाँ आ गया है। सो रवि के स्वीट के नीचे कौन रह रहा है? राइट बिलो, जस्ट नीचे है संजय। सो रवि के स्वीट के नीचे जस्ट नीचे संजय है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विच इज़ फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू स्वीट्स। सो कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है स्वीट्स के रिस्पेक्ट में? ऑप्शन ए लेते हैं, हर्षा फारूक नवजोत सिंह। सो हर्षा यहाँ है, फारूक यहाँ है, नवजोत यहाँ है, सिंह यहाँ है, तो ये तो कुछ अलग ही कॉम्बिनेशन लग रहा है। दूसरा लेते हैं, संजय वेंकटेश हर्षा सनी। संजय वेंकटेश हर्षा सनी, सो ये स्वीट 101 नीचे है। तीसरा लेते हैं, सिद्धू रवि संजय सनी। सिद्धू रवि संजय सनी, तो ये एक कॉम्बिनेशन सही लग रहा है कि एक ही लाइन में है, ये एक ही स्वीट में है 101 में। अब देखिए, सिद्धू रवि संजय सनी करेक्ट लग रहा है, कि क्योंकि ये सब एक ही स्वीट में है 101 में। आगे भी चेक कर लेते हैं, सिंह सिद्धू वेंकटेश। सो सिंह सिद्धू यहाँ है, वेंकटेश यहाँ है, तो ये इस तरह से आ रहा है, तो कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट है। अगला सवाल लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ए सर्टेन ग्रुप। तो ये कौन सा जो है ये सर्टेन ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है? पहला लेते हैं संजय, दूसरा रवि, तीसरा शास्त्री, चौथा नवजोत एंड पांचवा सिंह। तो आप देख सकते हैं कि एक तरह से ये एक पैटर्न बन रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो ये नवजोत जो है ये आउट ऑफ पैटर्न लग रहा है। सो हम इसको बाहर निकाल देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। ओके, आइए आखिरी सवाल लेते हैं इस वीडियो का। द पावर सप्लाई टू हर्षा स्वीट फेल्ड। सो हर्षा जो रह रहा है वहाँ का जो पावर सप्लाई चला गया है ये स्वीट 111 में और फ्लोर नंबर 3 में, तो फेल हो गया, मतलब यहाँ वो नहीं रह पाएगा, और उसको शेयर करना है स्टे अपने कलीग्स के साथ। हु अमंग द फॉलोइंग ही कैन नॉट पेयर विथ। तो किन के साथ वो है वो पेयर नहीं कर पाएगा? तो हमने एक चीज़ और देखा था, एक कंडीशन दिया गया था पहले, सबसे पहला कि हर्षा जो है वो इवन फ्लोर में नहीं रह पाएगा और इवन स्वीट में नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने दिया है हर्षा यहाँ नहीं रह पाएगा, यहाँ नहीं रह पाएगा, यहाँ नहीं रह पाएगा, ये इवन पूरा नहीं रह पाएगा और इधर नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो इन सब जगह में हर्षा नहीं रह पाएगा, सो यहाँ 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 ये रह पाएगा। देखते हैं, पहला है सिद्धू, सिद्धू यहाँ पर नहीं रह पाएगा। संजय, संजय के साथ रह पाएगा ये। रवि, रवि के साथ भी रह पाएगा, टिक है ये। फारूक और फारूक के साथ ही रह पाएगा, ये भी टिक है। नो वन तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम देखेंगे सिद्धू के साथ वो नहीं रह पा रहा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो ख़त्म करने से पहले अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आपने हमारा चैनल प्रेप इंडिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद जो नोटिफिकेशन बेल है उसको क्लिक कर लीजिए रेगुलर अपडेट्स के लिए। आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं SSC, SBI, PO, SBI क्लर्क, उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आप अच्छा कर सकते हैं एग्ज़ाम में। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।